नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे और आज आपको बताने जा रहा हूं कि भारत में गोवंश किस प्रकार प्रासंगिक थे, बैलों से किस प्रकार काम लिया जाता था, आज वे अप्रासंगिक हो गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी देश के किसी कोने में इनसे काम लिया जाता है, खेती किसानी में ये बड़े महत्व के हैं। आप एक बार ध्यान से देखिए, या तो आपने समझ ही लिया होगा कि एक देसी प्रजाति का बैल है और इस बैल को गाड़ी में इसे जोता गया है। गाड़ी में आप देख रहे हैं, यह एक ही बैल वाली गाड़ी है और इस पर गोबर की खाद रखी गई है, गोबर रखा गया है, गोबर है, राख है और इसमें इसको जुताई की गई है इसकी। ये आप देख सकते हैं पहिया है, पहले इस प्रकार का पहिया नहीं होता था, अब ऐसी पहिया है जिससे बैलों को ताकत कम लगे। यह पूरी तौर पर देसी प्रजाति का बैल है। चूंकि हमारी इनसे देखा देखी नहीं है इसलिए हमें यह पहचान नहीं पा रहे हैं, हो सकता है इनको आपत्ति हो। देखिए इनके बिल है, थंब है इनका और मैं थोड़ा सा इनको सहला रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि हमसे इनकी दोस्ती हो जाए। और यह देखिए बालक, इसको कहाँ ले जाओगे? यहाँ से अपने खेत ले जाएंगे। खेत ले जाओगे, खेत में चला जाएगा, चल जाएगा खेत में। खेत जानता है यह? हाँ, कहाँ ले जा रहा है इसको? अच्छा, देखिए हम इस समय हैं कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र को सभी जानते हैं, वैश्विक पटल पर भगवान श्री कृष्ण ने यहीं अर्जुन को उपदेश दिया था, महाभारत यहीं हुआ था, महाभारत का युद्ध, हम उसे भी दिखाएंगे। यह है कुरुक्षेत्र का सुनारिया गाँव, एक अच्छा गाँव है और इस गांव में आया हूं पशुपालन और खेती देखने। तो अब हम दिखा रहे हैं, यह गांव है और इस गांव में एक तालाब है इधर, और यह देसी बैल, चलो ले चलो। दोस्तों जो चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ अब यह अंतिम है। जैसे अब हल बैल का काम समाप्त हो गया, बैलों की जो और भी ज़रूरत थी जिन कामों में, उसका काम मशीन ने ले लिया। अब जल्दी से मशीन सारे कार्य संपादित कर देती है। पहले हल की जुताई होती थी, अब हल की जुताई नहीं होती, कहीं बैल हल है नहीं। पहले गन्ने की पिराई होती थी, बैलगाड़ियाँ हुआ करती थी, अब वह चीज़ें भी नहीं हैं। आपको दिखा भी देता हूँ, ग्राम पंचायत सुनारिया, स्वच्छ ग्राम स्वच्छ भारत, यह मुख्य सड़क पर आ गए हैं, अब यहाँ से ले जाएंगे। जहाँ बड़े बड़े वाहन हों, लग्जरी वाहन हों, सड़क पर केवल और केवल वाहन दिखें, वैसे में अगर आपको एक बैलगाड़ी दिखेगी तो आश्चर्य होना स्वाभाविक है। यह देखिए राजकीय माध्यमिक विद्यालय सुनारिया कुरुक्षेत्र। चलिए इस वीडियो का यहीं अंत करते हैं और फिर आपको यहाँ किस प्रकार खेती किसानी होती है, किस प्रकार यहाँ उत्कृष्ट पशुपालन के क्षेत्र में लोग लगे हुए हैं उसे भी दिखाऊंगा। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।